खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के कटनी प्रवास के दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष नवाब खान ने जिले के मुख्य चौराहे पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इसके तहत ही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का रिकॉर्ड देश भर में सबसे ज्यादा मतों से विष्णुदत्त शर्मा के नाम ही होगा। इसके साथ ही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि चुनाव में मिली जिम्मेदारी का अल्पसंख्यक मोर्चा बखूबी उसका निर्वाह करेगी। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जनाब विष्णुदत्त शर्मा जी का लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 8 से पार्टी ने उन्हें पुनः प्रत्याशी बनाया है और हम लोग उनके प्रथम नगर आगमन को लेकर बहुत हर्षोल्लासित थे। और इसी तारतम्य में पूरी जिला अल्पसंख्यक मोर्चे के कटनी जिले के 20 मंडल अध्यक्ष और हमारे जिला पदाधिकारियों ने आज मिशन चौक पे आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी को उनके प्रथम आगमन पर उनका फूल मालाओं से और पगड़ी पहनाकर इस्तकबाल किया। माननीय बीडी भाई साहब को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा प्रत्याशी खजुराहो से दोबारा उम्मीदवार बनाने के उपलक्ष्य में आज हम सारे मंडल अध्यक्ष, पूरी हमारी मंडल की टीम मिशन चौक कटनी में एकत्रित हुए। जिला अध्यक्ष माननीय इंजीनियर नवाब जी खान जी साहब के संयोजन के तहत और बहुत हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया गया और जितने भी रिकॉर्ड थे हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्ड खजुराहो लोकसभा सीट से टूटने वाले हैं।